सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होप सारे बढ़िया होंगे। तो भाई गुड मॉर्निंग या पहली बात तो गुड आफ्टरनून है, एंड अभी टाइम हो रहा है 2:15 बज गए हैं। तो भाई मैं अभी थोड़ी देर 1:30 बजे उठाऊँ मैं। हाँ, तो जैसे पिछला ब्लॉग मैंने जब एंड किया था तब मैं उठाऊँ और ब्लॉग एडिट कर रहा था, और पापा भी आ चुके हैं घर पे और हम खाना खाएंगे, मैं और पापा ने, और मम्मी का तो फास्ट है, नवरात्रि 9 के 9 दिन रख रहे हैं भाई। आप 7th क्लास में हो? हाँ ठीक। तू भी 7th में है? चावल पराठे इस टाइम पराठे बनाए हैं, सब्जी। हेलो कैंडी क्रश चैंपियन, कैंडी क्रश चैंपियन, कैसा चल रहा है आपका? कौन से लेवल पे पहुंच गया आप? भाई पता ही नहीं कौन सा है ये, है क्या 2340? कहाँ की है ये? पूरे वर्ल्ड की है 2340? ओ भाई इतने लेवल तक कभी किसी गेम के पूरे नहीं किया हमने। पागल है क्या? कैसे देख रही? वो क्या मार क्यों रही है बे? तूने इतनी देर से मारा औजार ले गया। ले क्या ऐसे पकड़, थंबनेल के लिए मिल जाएगा। ले आ, ले आ, ले आ, ले आ, प्लीज थंबनेल, 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 थंबनेल बता, हट थंबनेल, सही हट जा यार, काम कर, थंबनेल, थंबनेल के लिए इतना नहीं कर सकते तो। अब नाक पकड़, ओ मुंह पकड़ ले, फिर आंख पकड़ लियो। तेरे को वैसे बापूजी के 3 बंदर बना देता हूं, तेरे को बापूजी के 3 बंदर, एक बार वो कर ले, एक बार वो थंबनेल चाहिए मेरे को तेरे से, थंबनेल थप्पड़ भी चाहिए होगा तेरे को मेरे से, मेरे को तेरे से थंबनेल चाहिए, तेरे नाम पे व्यूज ज्यादा आते हैं। छोड़ यार। ओए एक तो तारीफ कर रहा हूँ तेरी, नो थैंक्स। इधर देख ये मिल गया थंबनेल प्यारा सा। पहले भी आ चुका है ऐसा? हाँ दोबारा आ जाएगा, फिर क्या हुआ? लग रही है मेरे तेज कोल्ले में मोजा आता है मेरे को, तेरे को कहां जाएगी? फोन गिरा ना बेटे। ओ मैया कसम, मैया कसम उड़ा डालेगा तेरे को गोली से। मैं दर्द हो रहा है हाथ। कैचे उठा रही है। लगी, लग रही है ये? मारी रही हूँ। छोड़ छोड़। तो भाई मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी, एंड अभी बज रहे हैं 5:36। मैं जा रहा हूँ शिवम के पास, और मैं और शिवम जाएंगे एक जगह पे, कुछ काम सा है वो करके आते हैं, कुछ पता करके आने हैं, तो चलें। चलो भाई ये देखो धुंध, मतलब ओस पड़ने लग गई। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 11, और अभी मैं घर पे आया हूँ, अकेले बैठा हुआ था भाई। आज अभी आते आते रास्ते में क्या नाम है, मैं आ रहा 9:11 के, मतलब सेक्टर 9/11 के रास्ते पे था, जो डिवाइडर होता है उस पर जो पोल्स होते हैं तार वाले, वो तार पता नहीं नीचे था क्या था पता नहीं मेरे को। मैं आराम से अपना 35 की स्पीड पर था शायद,
उस स्पीड पे गायें थी रोड के बीच में, तो गायें रोड के बीच में, और वो तार मेरे को दिखा नहीं क्योंकि ब्लैक होता है, ऑफकोर्स नॉर्मल से बात है, अभी रात हो रही है। तो मैं आ रहा था और वो गायें पहले आगे जा रही थी, फिर एकदम रुक गई और पीछे हो गई थोड़ी सी, तो मैं उसके पीछे से निकलने लगा क्योंकि आगे से जाना सेफ नहीं होता, वो कभी भी चल पड़े। तो मैं पीछे से निकल रहा, एकदम मैं निकल रहा और मेरे को तार दिख गया सामने, और वो गायें उसी टाइम मेरे को दिखते, मैंने नू में ऐसे नीचे मुँह कर लिया, मतलब इस लेवल पर आ जाए, और मैं बिल्कुल ऐसे नीचे हो गया, और मतलब थोड़ा दूर था तार, जैसे लाइट ऊपर थी तो वो गिर गया, गिरा हुआ था एक आगे तार, वो मेरे को बाद में लिखा जब मैं टप गया, मतलब निकल चुका था वहाँ से। वो गायें एकदम भाग गई वहाँ से, सीधा सामने गड़ी थी लेफ्ट में, उसमें भाग गई, और मैं ऊपर हुआ, मेरे को दिखा सामने तार पड़ा हुआ, पीछे मुड़ के देखा तार टूट गया, खम्बा ऐसे कर रहा है, हिल रहा, और मैं निकल गया। पता नहीं बच गया, किस्मत थी क्या थी, या तो उस तार में अटकता मैं, मतलब कहीं पे भी लग सकता है, वो चेस्ट पे, मतलब पेट पे, कहीं पे भी, बाइक में भी अटक सकता था, पर मैं निकल गया वहाँ से। वो नहीं भागती ना गायें, तो क्या पता मैं अटकता, और वो भाग गई या फिर नहीं भागी, जो भी हुआ बस मैं बच गया। आज भाई पक्का मतलब वहीं पर गिरा हुआ मिलता तगड़ा काम हो जाता आज। नया आज मैं बच गया, पता है तेरे को, बताया तो गाय और वो डिवाइडर घिसड़ा हुआ मिलता, बताई तो थी, कल ब्लॉग में देखे सुन जाएगा तेरे को, ब्लॉग में बताया मैंने भाई, सच में आज तो भाई किस्मत ही थी जो मैं बच गया। रियलिटी में इतना मतलब एकदम ही हो गया था, मतलब मैं आँख बंद करके नीचे वो गिर गया, मैं सोचा आज तक गया, आज तक गिरेगा तू, फिर क्या ही किस्मत। मैं जैसे दस मीटर शायद मैं निकल चुका था, दस मीटर तो नहीं, पाँच से दस मीटर के बीच में मैं आगे निकल गया था, तब मैंने ऊपर उठ के ऐसे देखा था, मैं भाई ओ बच गया मैं तो मैं फिर घर आ गया भाई, मैं पूरे रास्ते ऐसे दिल धक 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 कर रहा, उसके बाद आराम से पहुंचा घर पे, बस शांति से, बस भाई आज तो काम ही हो जाना ना फिर तो। चलो अब ठीक है, जो भी अब बच गया मैं। एंड हाँ एक और बात भाई, मैं आज गया था आईफोन 13 देखने का मतलब आप समझ जाओ, तो उसकी बुकिंग चल रही है 1 महीना 10 दिन के आसपास। तो भाई आईफोन 13 मिनी तो था, 256 GB, बट वो मेरे को लेना नहीं है क्योंकि वो मिनी हो गया और उसकी बैटरी लाइफ भी कम होती है, छोटा सा है, मेरे को छोटे फ़ोन पसंद नहीं है, तो हैंडी होते हैं काफ़ी तो, बट नहीं पसंद। और मैंने ट्राई किया है अलग अलग जगहों से, अब कहीं से बेस्ट, या तो बेस्ट डील मिल जाए या फिर बेस्ट ऑप्शन मिल जाए लेने का, या कहीं भी मिल जाए जिस सिस्टम से मैं लेना चाहता हूँ वो, या फिर एक और तरीका है लेने का, अगर वो हो जाता है तो फिर मैं 13 की जगह प्रो मॉडल पे शिफ्ट होऊंगा। तो अगर वो हो जाता है तो की बात है, नहीं होता है तो भाई अपना सिंपल 13 लेंगे, बट लूँगा अब मैं, ये मेरी अपडेट है कि मैं फ़ोन स्विच करूँगा। मतलब उसमें एक तो सिनेमैटिक जो है ना, अगर नहीं पता तो किसी को भी तो वो देख लेना, उसमें क्या होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ऐसे आप लोगों से, तो उसमें क्या होगा कि पीछे वाला एरिया, जैसे अब वो सोफ़ा है वो ब्लर हो जाएगा, जैसे जो कैमरा में नहीं होता, जो पोर्ट्रेट मोड में होता है, वो पोर्ट्रेट मोड में वीडियो बनेगी, उसका नाम उन्होंने सिनेमैटिक रखा है। तो वो फीचर आया है सबसे मेन, वो ब्लॉगिंग के हिसाब से सबसे बढ़िया। और जो ब्लॉगर्स हैं ना सारे, जितने भी बड़े ब्लॉगर्स हैं सब उस पर शिफ्ट कर रहे हैं, और वो मेरे को लेना है क्योंकि ब्लॉगिंग के हिसाब से वो बेस्ट है और कैमरा काफ़ी बढ़िया है उसमें। है यार ये एक्सेस मैक्स है, ये 10 सीरीज़ है, उसके बाद 2 भी आ जाए, 11, 12 और फिर 13, और उसमें जो सिनेमैटिक मोड है ना मेन, मेरा वही रीज़न है लेने का, नहीं तो अपना इससे ब्लॉगिंग आप बना रहे थे, बट वो सही है तो वो मेरे को लेना है 13। तो देखो मैं लूँगा ही लूँगा, ये अपडेट है। अब ये नहीं पता मेरे को कब कौन सा बढ़िया
उसमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है क्या होता है वो तो आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन मेन वो है अगर 13 प्रो आ जाए तो भाई क्या ही दिक्कत है उसमें, तो अपन को पसंद है भाई, एक वो भी रीज़न है लेने का, तो देखते हैं जो भी जैसा भी रहेगा, बट ठीक है आज तो ये दो अपडेट थी। सो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, नहीं गुड मॉर्निंग है फिलहाल, तो जो भी है ठीक है, बाय।